चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मेरा कस्बा बहुत अच्छा कस्बा है, लेकिन 20 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे नशे का बहुत कारोबार 10 साल में हुआ है। नए नए जो नौजवान नशे की आदत का शिकार हो गए हैं। और कांधले की जनता विकास के नाम पर वोट देगी और मुझे विजयी बनाएगी। भाजपा के कई नेताओं की यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रियाएं रही हैं जिससे यहाँ पर मुसलमानों को एक भरोसा नहीं हो पाता है भाजपा पे। आप यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल कस्बे में भाजपा के सिंबल से लड़ रहे हैं, तो आप कैसे यकीन दिला पाएंगे, आप कैसे उनका दिल जीत पाएंगे अपने चुनाव के लिए? CCA में आपका स्वागत है। हम अभी शामली ज़िले के कांधला कस्बा में हैं और अभी हमारे साथ यहाँ से कांधला के चेयरमैन के प्रत्याशी नरेश सैनी जी हैं। नरेश जी, CCA में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नरेश जी, आप इस बार कांधला में जो चुनाव अभी हो रहा है, किन मुद्दों पर मुख्य रूप से लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को आप लोगों के सामने रखेंगे? पहले भी आप यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, बड़ी नैरो मार्जिन से हारे थे पिछली बार। यहाँ पर क्योंकि अभी मैं आसपास भी देखूँ तो कस्बों का विस्तार हुए जा रहा है और बहुत सारे शहरी मुद्दे अब सामने आ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आप लड़ने की सोच रहे हैं? मैं यहाँ 4 चुनाव पहले लड़ चुका हूँ जी। जब से चुनाव लड़ रहा हूँ 20 साल से दूसरे नंबर पर रह रहा हूँ जी। बराबर सभासद भी हम रह रहे हैं घर से। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी शामली आए थे और जितने भी प्रत्याशी थे शामली के 10 प्रत्याशी थे, सबके लिए अपील कर गए हैं मुख्यमंत्री जी कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, कमल के फूल को विजयी बनाइए और जो धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगने देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। रही मेरी बात, मेरे कस्बे की बात, मेरा कस्बा बहुत अच्छा कस्बा है, लेकिन 20 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें, नाले, बिजली, खंभे सब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बारिश होते ही, जैसे ही बारिश होगी तो सड़कों पर गोड़े गोड़े पानी भर जाता है। और बारात घर हैं, कई मुद्दे हैं, डिग्री कॉलेज है लड़कों का, खेल का मैदान है। तो मेरी प्राथमिकता है, अगर इस बार कांधले की जनता ने मौका दिया तो मैं सब चीज़ उनके लिए करूँगा। आप जो कह रहे हैं यहाँ पर सुएज की भी प्रॉब्लम कह रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम कह रहे हैं, ये सच्चाई ये है कि कांधला जिस तरह से विस्तार हो रहा है, एक तरफ लग रहा है कि शायद शामली से 10 सालों में मिल जाएगा और एक तरफ कैराना से 10 साल मिल जाएगा, मतलब इतना जिस तरह से शहरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन अर्बन प्लानिंग सिर्फ यहाँ पर नहीं, यूपी के किसी भी खास कस्बे या शहर में नहीं नज़र आ रही है। कुछ कांधले की बात करें तो यहाँ पर एक पार्क तक नहीं है बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, कोई एक ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हैं। आसपास भी हम देखें तो अभी भी जो सरकारी अस्पताल है इतने अच्छे हालात हैं नहीं इसके। आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई भी सरकार रही हो, एक इन चीज़ों की समझदारी में कहीं ना कहीं कमी रही है? जो विकास करने का मुद्दा है, जिसकी सरकार होती है वही पैसा लगता है जी, उसी को पैसा मिलता है जी। इस बार सरकार हमारी है जी, तो योगी जी ने कह दिया पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो भरपूर, अभी आप देख रहे होंगे 3 पुल बने हैं नहर पर, छोटी नहर का पुल, उसके बराबर में दूसरा पुल, उसके बराबर में तीसरा पुल, ये भाजपा बनवा रही है, विकास कर रही है। हम विकास के मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ पीएम आवास बने हैं लगभग 3500, उसमें कम से कम 2700 मकान मुस्लिम भाइयों के हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, यहाँ 35,000 वोट हैं जिसमें 25,000 मुसलमानों की वोट है। जब तक हमें मुस्लिम भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा हम चुनाव जीत नहीं सकते। नरेश जी, मैं फिर आपने क्योंकि बात उठाई है तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पश्चिम यूपी का 2013 में फ़िज़ा काफ़ी ख़राब हुई थी, कांधले में तो नहीं हुआ था कुछ, बट आसपास की फ़िज़ा काफ़ी ख़राब हुई थी, दंगा हुआ था बड़ा, और उसके बाद से एक ध्रुवीकरण जो समाज में आया है, कई सारे छोटे चुनाव हो बड़े चुनाव हो अंत में आते आते हिंदू मुस्लिम पर अटक जाते हैं। आप भाजपा से हैं और भाजपा के कई नेताओं की यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रियाएं रही हैं जिससे यहाँ पर मुसलमानों को एक भरोसा नहीं हो पाता है भाजपा पे। आप यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल कस्बे में भाजपा के सिंबल से लड़ रहे हैं, तो आप कैसे यकीन दिला पाएंगे, आप कैसे उनका दिल जीत पाएंगे अपने चुनाव के लिए?
मैं यहाँ 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। मेरे अपनी एक सोच है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, मैं उसमें इंसानियत देखता हूँ, केवल इंसान वो व्यक्ति है। और जब भी वो किसी के पास परेशानी में जाता है, वो परेशानी लेकर जाता है, तो मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहता हूँ। पिछले बार 700 वोट मुसलमानों ने मुझे दी थी। ये कस्बा कांधला शरीफ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की मस्जिद और मंदिर की दीवार एक है, लेकिन कुछ गुंडे माहौल ख़राब करने का प्रयास किया पिछले बार, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ये कांधला, क्योंकि यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, मुस्लिम भाई हिंदुओं के त्यौहार पर हमारे घरों में आते हैं, हम ईद पर उनके घरों में जाते हैं। यहाँ का दशहरा मेला भी बहुत बड़ा लगता है। दशहरा रामलीला का मेला है, यहाँ इतना अच्छा मेला लगता है, यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर उसको कामयाब करते हैं। और तो यहाँ की मिसाल है, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस बार मुसलमानों को ये पता चल गया कि ये जो टाइम टू टाइम मैं चुनाव हारता हूँ हिंदू मुसलमान पर, वो टाइम 2 घंटे पहले हिंदू मुसलमान की अफवाह फैलाते हैं और मेरे बारे में गलत गलत अफवाह फैला कर मार देगा, वो तो RSS का आदमी है, कटवा देगा, ये करवा देगा, तुम्हें राम राम कुहावेगा। तो अब लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि नरेशी ऐसा व्यक्ति है जो विकास कर सकता है इस कांधले का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार कांधले की जनता विकास के नाम पर वोट देगी और मुझे विजयी बनाएगी। नरेश जी, मेरा ये आपसे फिर आखिरी सवाल मैं फिर से, क्योंकि आपको भी जल्दी है और चुनाव प्रचार चल रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे, आपने कहा कि भाई विकास के लिए कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं होगी, आप कह रहे हैं योगी जी ने कल संदेश दिया है, लेकिन बहुत निम्न सुविधाएं अगर हम देखें तो कई जगह मिसिंग हैं, जैसे सुएज की बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर, वेस्ट कलेक्शन की, और हर बार जैसे आपने कहा बारिश होती है तो यहाँ पर फ्लडिंग होती है, उस तरह से बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं। क्या आपका इन सारे मुद्दों पर आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह का आप इसमें किस दिशा में और कैसे जाने की सोच रहे हैं? मैं इस शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है। लोग आए, ये कांधला शरीफ है, यहाँ पे नशे का बहुत कारोबार 10 साल में हुआ है, नए नए जो नौजवान नशे की आदत का शिकार हो गए हैं, चोरियाँ होते, जो नशा, और नशा भी ऐसा जिसको बोलते हैं स्मेक, कुछ जिम्मेदार लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, उसको बंद कराने का प्रयास नहीं किया। हमारे कस्बे में 10 साल के अंदर ही नशा आया है, तो मेरा प्रयास होगा इस नशे को बंद करना। और सभी जिम्मेदार लोगों को, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, जो भी हो, सबको बैठाकर उनके सहयोग से, उनके विचारों से इसका बहुत सुंदर बनाने का हम प्रयास करेंगे। बस मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं यही जनता से, कांधले के नगरवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। कल माननीय कपिल देव जी अग्रवाल जो मंत्री हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तेजेंद्र निरवाल जी, राम कुमार सहरावत जी, जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कर कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ मेरे भाई राजीव जैन जी बैठे, ये भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जहाँ हम बैठे हैं, मोनू चौहान हैं जिनका मकान है, तो सब है, ये सानू सिद्दीकी है, तो सब लड़के, नौजवान मुस्लिम लड़के खास तौर से, तो सोच के बैठ गए, सब कुछ नहीं है, नरेश सैनी ही विकास करा सकते हैं, और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे और फिर आपको बुलाएंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। मेरी अपील आप जनता तक पहुँचाएं, कस्बे वासियों से मेरा यही निवेदन है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि अफवाह का दौर चलेगा, मजहब का दौर चलेगा, अभी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ कहा, क्या कहा, कि योगी और मोदी तो है ही, सड़कें बने ना बने, लेकिन तीसरा योगी यहाँ पैदा मत करो, तो लोग चला रहे हैं बात, लेकिन जनता उनको नकार रही है। लोगों ने सोच बना ली है कि विकास अगर कराना है, क्योंकि जिनकी सरकार है वही विकास करा सकते हैं, तो इसलिए नरेश सैनी को उनको चुनना है। ट्रिपल इंजन, मतलब आप ट्रिपल इंजन की सरकार बना तक, ट्रिपल इंजन, और आप देख रहे होंगे सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ यहाँ इतनी अच्छी हो रही है, सड़कें इतनी सुंदर हो गई हैं, हाईवे इतने सुंदर बन गए हैं, और भी बहुत जल्दी यूपी को हरियाणा से रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम हो रहा है, माताओं बहनों को शौचालय गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए, तो लोग मान चुके हैं कि नरेश सैनी को ही चेयरमैन बनाना है। CCA के साथ आप लोग जुड़े रहें। इस बार नरेश सैनी जी भाजपा से कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी, उम्मीद यही कर सकते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांधले में या देश के किसी भी कोने में अब ना हो और विकास के मुद्दों पर ही आने वाले सालों में चुनाव होते रहें।
नरेश जी, सीसीए के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।